अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ शनवारी कढ़ाई और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चाहे तो आप इसे मटन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे बीफ में बना रही हूँ। तो मैंने जो बीफ लिया है ये ज़रा चिकनाई वाला है और ये 3 पाव के करीब मैंने लिया है। तो इसमें मैं पहले पानी डाल दिया है और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी। हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1/2 चम्मच के करीब, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। और मैंने बीफ लिया है 3 पाव के करीब है ये। 2 अदर टमाटर लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, इनको मैंने पहले से काट कर रख लिया था, तो ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसे कवर करके रख दूँगी ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। इसमें नमक डालना मैं भूल गई थी, तो इसमें नमक भी ऐड करूँगी। तो ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसमें थोड़ा ऑयल भी डाल रही हूँ 1 प्याली के करीब। तो जब तक ये गोश्त गलेगा मैं इसे कवर करके रख देती हूँ। तो गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं और दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मियों में तो चावल खाने का दिल करता है और रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर गोश्त बिल्कुल गल गया है, तो मैं इसे कढ़ाई में डाल दूँगी। तो इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 2 चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच, ये भी इसमें डाल दूँगी और इसे मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर हमारा मसाला जब तक भुन रहा है, तो दही मैंने लिया है 1 प्याली और हरी मिर्चें ली हैं बड़ी वाली 5 से 6 अदर, और ये हरा धनिया है और साथ में मैंने अदरक भी ली है, इसे अभी मैं काट लूँगी ऊपर से डालने के लिए। तो दही डालकर मैं इसे मिक्स कर लूँगी। तो चाहे तो आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त क्रीम नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और दही मैंने 1 प्याली के करीब लिया है, ये इसमें ऐड कर रही हूँ और ऊपर से इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक भी डालूँगी। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। ये कितनी मज़ेदार स्पाइसी लग रही है और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत अच्छी होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, जब तक के लिए बाय बाय।